Hey guys, welcome back to my channel. And the first topic from unit 2 is trade union. So what is trade union? It is an organization of worker that is formed with the view of protecting and promoting the interest of workers. ये एक union बनाई गई थी, एक organization बनाई गई थी जो workers के interest को, उनके rights को protect करती थी, उनको promote करती थी. It negotiate with employees on various employment related issue. ये employers और employees के साथ negotiate करती थी ताकि उनके बीच में कोई भी conflict ना रहे, employment related issues solve हो जाएं. Improve the terms and conditions at their workplace. और उनके workplace पे जो terms and conditions है, उनको improve करती थी ताकि productivity बढ़े. इसका purpose क्या था? एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन करना, जॉब क्रिएशन करना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, एक तरह से हम डेमोक्रेसी मिलती थी ना, सबको अपनी चीज़ें बोलने का हक मिलता था, सोशल स्टेटस बढ़ाना. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव फंक्शन. प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन के थ्रू ट्रेड यूनियन क्या करती थी? एडुकेट वेज, हर किसी को एडुकेट वेज मिले, वर्किंग कंडीशन अच्छी मिले. सेकेंड आता है हमारा फेटरनल फंक्शन. फेटरनल फंक्शन क्या कहता है? प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल टू वर्कर्स एंड प्रोविजन ऑफ एजुकेशन हाउसिंग. इसमें क्या होता था कि जो वर्कर्स थे उनको फाइनेंस, नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज प्रोवाइड हो और प्रोविजन ऑफ एजुकेशन मिले, एजुकेशन के लिए पर्टिकुलर प्रोविजन मिले, हाउसिंग की फैसिलिटी मिले, ये सारा काम ट्रेड यूनियन देखती थी. नेक्स्ट आता है हमारा इसमें सोशल. सोशल में ट्रेड यूनियन का काम क्या था? सोशल वर्क फॉर कस्टमर. ये कस्टमर्स के लिए भी कैसा सोशल वर्क करती थी? उनको अवेयर करके, चीज़ों के सिखा के. पॉलिटिकल में लिंक विद पॉलिटिकल पार्टी. ट्रेड यूनियन किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड होती थी, जहाँ से उसको फंड मिलता था, उनको काम करने के लिए एक तरह से प्रोटेक्शन मिलती थी. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रेड यूनियन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस एंड ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस क्या कहता है? रिफॉर्मिस्ट यूनियन. रिफॉर्मिस्ट यूनियन क्या कहता है? इम्प्रूव वेज एंड वर्किंग क्लाइमेट. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज़ में हम ये कहते हैं कि हम कैसे अपने जो वेज स्ट्रक्चर है और वर्किंग क्लाइमेट है उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसको बोलते हैं हम रिफॉर्मिस्ट, मतलब कि दोबारा से फॉर्म करना, ये इसका एक काम होता था. और रिवॉल्यूशनरी. रिवॉल्यूशन में क्या करते थे? हम जो पुरानी टेक्निक्स थी उनको न्यू टेक्निक्स में कन्वर्ट करते थे, चाहे वो एम्प्लॉयज़ को काम सिखाने का तरीका हो या फिर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हो. ऑन द बेसिस ऑफ मेम्बरशिप में क्या कहता है कि मेंबरशिप, मतलब पर्टिकुलर किसी चीज़ की अगर हम बात करें, कौन कौन से फील्ड में हमारा ट्रेड यूनियन काम करता था. ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. क्राफ्ट में, मतलब कि स्पेशलाइजेशन वर्कर में, ये सारी चीज़ें मैं आपको टाइप्स में भी एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पे आप सिंपल कि क्राफ्ट में हेल्प करती थी, इंडस्ट्रीज़ में, जनरल फेडरेशन में, वाइट कॉलर पीपल्स में, इन लोगों में ये हेल्प करती थी. अब ट्रेड यूनियन एक्ट क्या होता है? ट्रेड यूनियन एक्ट बना था 1926 में. It is such an act which is created on the basis of collective strength to secure the interest of worker. सारे ये almost similar ही हैं, क्योंकि ये सारे workers के interest को secure करने के लिए बनाए गए थे. इसके objective क्या होते हैं? वेज सैलरी, मतलब कि एक तरह से उनकी जो सैलरी मिल रही है वो अच्छी मिले और उनको प्रॉपर सैलरी मिले, वर्किंग कंडीशन उनको अच्छा मिले, डिसिप्लिन मेंटेन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ के लिए, वेलफेयर हो सबका, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा हो, नेगोशिएशन मशीनरी, एक नेगोशिएशन हो, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसके बीच में एक नेगोशिएशन हो कि वो कॉन्फ्लिक्ट ईजिली सॉल्व हो जाए. अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट के? सबसे पहले प्रोटेक्ट एंड टेक इंडस्ट्रियल एक्शन, कंक्लूजन अबाउट चेंज इन वर्क प्रैक्टिसेस, रिक्रूट न्यू मेंबर्स, नेगोशिएशन ऑन देयर मेंबर बिहाफ, मेंबर्स के बिहाफ पे नेगोशिएट करती थी. अगर एम्प्लॉयर के बिहाफ पे कर रही है तो एम्प्लॉयज से, एम्प्लॉयज के बिहाफ पे कर रही है तो एम्प्लॉयर से. पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी ये. पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एक्शन, इंडस्ट्रियल एक्शन में पार्टिसिपेट करने का राइट है ट्रेड यूनियन का. टू वर्क विद इन लॉ, लॉ के अंडर वर्क करती है. टू लिसन मेंबर्स व्यू, मेंबर्स के व्यू को भी सुनती है कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं. नॉट प्रेशरिंग एनी मेंबर टू ज्वाइन, किसी भी न्यू मेंबर को प्रेशर नहीं करती थी कि वो ज्वाइन करे, उसकी खुद की मर्जी होती थी कि अगर उसको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन, ट्रेड यूनियन ज्वाइन करनी है तो. अब आते हैं हमारे टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ
ट्रेड यूनियन. तो फर्स्ट आता है हमारा क्राफ्ट यूनियन. क्राफ्ट यूनियन में क्या होता था, दीज रिप्रेजेंट वर्कर विद पर्टिकुलर स्किल. क्राफ्ट यूनियन में उन वर्कर्स के ऊपर ट्रेड यूनियन होती थी जो पर्टिकुलर स्किल के बंदे होते हैं, जिनके पास पर्टिकुलर स्किल होती है, जैसे प्लम्बर हो गया, तो ये उनके लिए होती थी. जनरल यूनियन में क्या होता था, वर्कर विद अ रेंज ऑफ स्किल एंड फ्रॉम अ रेंज ऑफ इंडस्ट्री, मतलब कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग वर्कर्स होते थे, तो उसको हम जनरल यूनियन बोलते हैं. बहुत सारे लोग होते थे, बहुत सारी स्किल्स होती थी इंडस्ट्री के अंदर. इंडस्ट्रियल यूनियन, इंडस्ट्रियल यूनियन में क्या होता था, रिप्रेजेंट ऑल द वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. ये पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री में वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती थी और उनके वेलफेयर के लिए प्रैक्टिसेस करती थी. वाइट कॉलर यूनियन, वाइट कॉलर यूनियन कहता है हम MBA स्टूडेंट हैं तो हम भी एक वाइट कॉलर में ही आते हैं. वो पर्टिकुलर प्रोफेशन, ये पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए होता है, जिसमें हमारे पायलट्स आ गए, टीचर्स आ गए. अब आते हैं हमारे इमर्जिंग ट्रेंड इन ट्रेड यूनियन. इमर्जिंग ट्रेंड हमारे ट्रेड यूनियन में क्या होते हैं, इंक्रीज इनकम. इंक्रीज इनकम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड यूनियन के वजह से वेलफेयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए हमारी इनकम भी इंक्रीज होती है. वुमेंस वर्कर बहुत सारी आ गई हैं और भी प्रायोरिटीज़ वुमेंस को मिलती हैं कंपनीज में ज्वाइन करने के लिए. कॉपरेशन फ्रॉम वर्कर्स, पहले कॉपरेशन नहीं होता था वर्कर से, अब वर्कर से भी हमें पूरा कॉपरेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. रिस्क ऑफ इंडिविजुअलिज्म खत्म हो गया है, पहले लोग अलग अलग काम करने की थे, अब वो ग्रुपिज्म में काम करते हैं. पॉजिटिव चेंज इन यूनियन अप्रोच, एक यूनियन अप्रोच में पॉजिटिव चेंज आया, जिसकी वजह से हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ मजबूत हुई है. नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन ट्रेड यूनियन. तो ये हमारा बेसिकली तीन होते हैं, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन में क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन में ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड क्रॉस बॉर्डर लिंकेज दैट इंक्रीजिंगली कनेक्ट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड. ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल नाम से ही समझ आ रहा है कि पूरे ग्लोबल लेवल पे. ट्रेड यूनियन में इसका क्या एक व्यू पॉइंट था कि ग्लोबलाइजेशन में जब हम ट्रेड यूनियन लेके आते हैं, तो ट्रेड यूनियन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही पर्टिकुलर कंट्री की या स्टेट की जो वर्कर्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ये एज अ ग्लोबल लेवल पर सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है. उसके बाद आता है हमारा लिबरलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या होता है, एंड ऑफ द रिस्ट्रिक्शन विच बिकम हिंड्रेंस इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन. इसमें हमारा लाइसेंस को हटा दिया गया था. तो ट्रेड यूनियन में इसका क्या व्यू पॉइंट था कि जब लाइसेंसेस हटाए थे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स कंडक्ट हो गई थी जो वर्कर्स के बीच में एम्प्लॉयर्स के थ्रू आ गई थी, तो उनको प्रॉपरली सपोर्ट करने का काम किया था लिबरलाइजेशन के बाद ट्रेड यूनियन ने. उसके बाद आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन क्या कहता है, इट इज़ अ रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज. अब गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट कंपनीज ने ओवरटेक कर लिया था, तो क्या हुआ था, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई, मतलब कि हर गवर्नमेंट ने ये कुछ ही अब कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट में आती है, वरना ऑलमोस्ट हर किसी को अब प्राइवेट में आ गई हैं. इसमें ट्रेड यूनियन का क्या व्यू पॉइंट था, प्रमोट एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट. इससे एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट बिल्डअप होता था, एम्प्लॉयज़ को नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी कि वो गवर्नमेंट से प्राइवेट में जा रहे हैं या फिर उनको अलग अलग ऑप्शंस भी मिल प्रोवाइड हो रहे हैं. इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ट्रेड यूनियन, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है ट्रेड यूनियन पे, एम्प्लॉयमेंट इशू, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी एंड फियर ऑफ कंफर्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एम्प्लॉयमेंट इशूज क्रिएट हो गए थे क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गई थी, मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज हमारी चेंज होने लगी थी, फियर ऑफ कंफर्ट इन एक फियर हो गया था, कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं मिल पा रही थी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स के लिए, तो एक ये भी इम्पैक्ट हो गया था टेक्नोलॉजी के बाद. सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 2. होप यू गाइज अंडरस्टैंड इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.